हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ AapkaDesigner सीन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्मार्ट इंटीरियर सीरीज़ का शॉर्ट, जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं क्लाइंट के, एज अ क्लाइंट हाउ डू यू सी द इंटीरियर डिज़ाइनर और आपको कैसे बिहेव करना चाहिए इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए, इस सीरीज़ में मैं ये सब चीज़ें कवर कर रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, व्हाई यूर इंटीरियर डिज़ाइनर शुड बी ऑलवेज हैविंग मोर एक्सपीरियंस। जी हाँ, बहुत सारे क्लाइंट्स का क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर है जो बहुत कम रेट में काम कर रहे हैं या उनका रेट या फ्री में काम कर रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपको पता ही है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। सो आपको अगर कोई एमेच्योर इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो तो अगर उसके पास क्रिएटिविटी है तो बहुत अच्छे वो डिज़ाइंस आपको दे देगा। बट प्रॉब्लम ये होता है कि उन डिज़ाइंस को साइट पे इम्प्लीमेंट करना इज़ वन ऑफ द मेजर टास्क। सो जो एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, दे हैव डन मोर वर्क, उनको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट होगी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इंस्पिरेशन ले, कैसे आप अपने आइडियाज़ कैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर्स को देख, कैसे आप ज़्यादा रिसर्च ना करें क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल वर्क। सो होता ऐसा है कि जो न्यू डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दिल एंड अप मेसिंग योर प्रोजेक्ट, दिल चार्ज यू वेरी स्मॉल फीस। लाइक फीस जैसे होती है वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर को पे करें। तो होता ऐसा है कि अगर आप लो एक्सपीरियंस वाले या बिल्कुल न्यू इंटीरियर डिज़ाइनर्स को अगर हायर कर लेते हैं, सो दिल मैस योर प्रोजेक्ट, उन्हें पता नहीं होता है एक्चुअल वर्क कैसे होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि एक्चुअल मेजरमेंट्स कैसे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ मॉड्यूलर किचन का, तो मॉड्यूलर किचन में जो होता है, मॉड्यूलर किचन में हर चीज़ फैक्ट्री पर बनती है और इंस्टॉल होती है, बट कौन सा मॉड्यूल कैसे प्लेसमेंट करना होता है, किधर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, यह आपको एमेच्योर इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बता सकता। उसके अलावा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर को होगा, उतने अच्छे कलर सेलेक्शंस उसके होंगे, उतने ज़्यादा वो प्रोजेक्ट करेगा। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ, आई हैव डिज़ाइन मोर देन 150 प्रोजेक्ट्स और 73 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पर कैसे डिज़ाइन में कैसे प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग पहले ही क्लाइंट को बता देते हैं कि मैम सर आपका जो भी इशू है वो यहाँ पर आएगा, सो दिल गेट टू नो के हाँ ये चीज़ है, वो उनके भी माइंड में नहीं आती। बहुत सारे टाइम पार्टीशंस में होता है ऐसा ही है, और साइड्स होते हैं जो लाइक क्रॉकरी का डिज़ाइन होता है, जहाँ लॉफ्ट नहीं चाहिए आप वहाँ लॉफ्ट बनवा देते हो, उसकी कैपेसिटी बेयरिंग कैपेसिटी आपको माननी होगी। लाइक स्लाइडिंग शटर्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं अगर आपने उसे प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है। सो मेरी सलाह यही है कि जब भी आप इंटीरियर कर रहे हो, आप जो इतना पैसा लगाते हो, लाइक अगर आप आज की डेट में देखो तो 10 लाख 15 लाख इंटीरियर में लोग लगाते हैं, अगर आप उसका कुछ परसेंटेज अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर को देके अगर डिज़ाइन अलग से ले लेते हो या फिर उनको ही आप काम दे देते हो, तो आपके 10-15 लाख सही जगह इन्वेस्ट हो गए। क्योंकि अगर आप सही से काम नहीं हो पाएगा तो फिर आपको उसे तोड़ना होगा, फिर उसे बनाना होगा। तो हाउ डू इंटीरियर चार्ज, सो बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं हर रीजन के हिसाब से, कुछ प्रोजेक्ट के हिसाब से, कुछ बेसिकली आप फिक्स फी पे ये लोग चार्ज करते हैं। सो एक्चुअली होता ऐसा है इसमें कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है विच इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा है, सो मोस्ट ऑफ द इंटीरियर्स क्या करेंगे आपको, दे विल चार्ज यू ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रोजेक्ट वर्क। सो 2.5% से लेके 10% तक, दैट्स द स्टैंडर्ड रेट। सो आपके जो भी इंटीरियर है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फर्म कैसे उनके चार्जेस होते हैं, वो 2.5% से 10% तक लोग आपको चार्ज करेंगे। इसके अलावा पर सेफ्टी भी बहुत सारे लोग चार्ज करते हैं, जैसे कि पर सेफ्टी जो होता है कारपेट एरिया के हिसाब से, था सो बेसिकली इट रेंजेस फ्रॉम 15 रुपीज़ टू 50 रुपीज़। सो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या उसमें सर्विसेज चाहिए। सो बहुत सारे इंटीरियर्स होते हैं जो 45-35 ये रेंज में आपको चार्ज करेंगे। इसके अलावा जो होता है तीसरा कि फिक्स पेमेंट पे चार्ज करेंगे, और सबसे डेंजर होती है ये पेमेंट, क्योंकि फिक्स पेमेंट पे आपको पता नहीं होता है कि आइटरेशंस कितने होंगे क्या होंगे। सो बेसिकली बहुत सारे इंटीरियर जो आपको फिक्स पेमेंट लाइक 15,000 25,000 35,000 ऐसा कुछ चार्ज करेंगे, तो इसमें क्या होगा, दे विल गिव यू वन डिज़ाइन टू डिज़ाइन, इसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होगा। दैट विल बी लाइक अगर आप इंडिया में हो और आप दुबई की कोई कंपनी से आप इंटीरियर करवा रहे हो, इंडिया में हो आप यूरोप की कोई कंपनी से इंटीरियर करवा रहे हो, तो आपको फिक्स चार्ज पे ये लोग चार्ज करेंगे। सो आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इंटीरियर्स चार्ज करते हैं। बेसिकली हाउ डू आपका डिज़ाइनर चार्ज, ये भी एक बहुत क्वेश्चन ईजी है, तो आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे क्लाइंट मुझे पूछते हैं कि हाउ डू यू चार्ज। सो अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं
एज एन एग्जीक्यूशन प्लस डिज़ाइन तो हम लोग 2.5% से 5% तक चार्ज करते हैं. दैट विल बी लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख का है तो हम लोग आपको 25,000 से 50,000 के बीच में चार्ज करते हैं. इसमें डिपेंड इसमें चार्ज जो डिज़ाइन चार्ज होता है इसमें हम आपके साथ पूरा डिस्कस करते हैं, थीम क्रिएट करते हैं और आपको हर चीज़ इसमें प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइन 2D एंड 3D. सो इसमें आइटरेशंस भी होते हैं, लाइक अगर आपको डिज़ाइन कुछ चेंजेस करवाने हैं तो एक से दो बार हम लोग इसमें चेंजेस भी करवाते हैं. बट हम एग्जीक्यूशन में एंड तक के आपके साथ जुड़े रहते हैं ताकि अगर बाय चांस अगर आपको इन अगर आपको कुछ डिज़ाइन चेंज करना है इन बिटवीन द प्रोजेक्ट्स सो उसका चार्ज अलग होता है. लाइक अभी स्टैंडर्ड जो हो गया है, अगर आप प्रोजेक्ट के बीच में अगर डिज़ाइन चेंज करते हो तो जो इंटीरियर कंपनी है वो आपको 3% चार्ज करेंगे. सो 3% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट. लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट 25 लाख है, 20 लाख है, सो 60-70,000 के आसपास आपको दे चार्ज. क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें चेंज करनी होती है. सो कभी भी आप याद रखें कि आपका डिज़ाइन पहले फाइनलाइज करें फिर एग्जीक्यूट करें. तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कैसे इंटीरियर डिज़ाइनर चार्ज करते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें और आपके भी कुछ कमेंट्स है या आपके कुछ क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसे लिखें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.